हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही डिलीशियस और हेल्दी आइसक्रीम बनाने वाले हैं जिसका नाम है कोकोनट आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए हम फ्रेश कोकोनट का यूज़ करेंगे। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स और कम मेहनत में ये आइसक्रीम बनके रेडी हो जाती है। परफेक्ट आइसक्रीम बनाने के लिए छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को शुरुआत करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक फूड रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्रेश नारियल लिया है और ऊपर से इसे अच्छे से क्लीन करके लेना है। अब एक कुकर में 2 ग्लास पानी लेना है और इसमें ये नारियल रख देना है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 3 विसल्स होने देनी है और कुकर ठंडा हो जाने के बाद हमें इसका ढक्कन खोल देना है। डोंट वरी, ये प्रोसेस करते समय आपका कुकर ख़राब नहीं होगा। नारियल गर्म है तो हम इसे झाड़ी की मदद से निकालेंगे और इसे ठंडे पानी से धो के लेंगे। अब नारियल को किसी हेवी चीज़ से तोड़ेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नारियल का पानी भी निकाला है। ये पानी हम यूज़ करने वाले हैं। अब चाकू या फिर चम्मच की मदद से हम नारियल की जो एज है वो थोड़ा सा लूज़ करेंगे और इसे निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम से नारियल के शेल से नारियल बाहर आ गया है। नारियल के ब्राउन हिस्से को हम पीलर से निकाल देंगे ताकि आइसक्रीम एकदम वाइट दिखे। नारियल के इस हिस्से को आप ना फेंके, इसे चटनी बनाने में यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पे 1 कप नारियल लिया है, यानी मैंने आधा ही नारियल लिया है, उसको मैंने पीस के लिया है। हमने जो नारियल का पानी रखा था वो इसमें डाल के हमें इसकी अच्छे से पेस्ट बना के लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से स्मूथ पेस्ट बना के लेनी है। अब गैस पे कढ़ाई या फिर पैन में 2 कप दूध लेंगे, यानी आधा लीटर। अब दूध को अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें क्या करना है, आधा कप दूध एक कटोरी में लेना है और उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है और इसे अच्छे से मिक्स करके लेना है, क्योंकि कॉर्नफ्लावर जो है वो तले में जाके बैठता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद दूध में इसे डालना है और फटाफट मिक्स करके लेना है। अगर आप 1 कप दूध लेते हैं तो उसके लिए आपको 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेना है। अब मैंने यहाँ पे 1/2 कप शुगर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर डालने की वजह से दूध एकदम गाढ़ा हो गया है। इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, 3 से 4 मिनट तक पकाना है। अब इसमें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, ये ऑप्शनल है। इसके बाद गैस बंद करना है और इसे अच्छे से ठंडा होने देना है। ठंडा करने के बाद हमने जो नारियल का पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके लेंगे। ध्यान रहे, दूध को अच्छे से ठंडा करने के बाद ही हमें नारियल की पेस्ट ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने एक छोटा डिब्बा लिया है। अब तैयार बैटर इसमें हम डालेंगे। छोटा डिब्बा अवेलेबल नहीं है तो ग्लास का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको ढक्कन लगा के हम ओवरनाइट फ्रिज में रखेंगे। यहाँ पे मैंने शेल को अच्छे से धो के लिया है और इसमें भी हम आइसक्रीम का यह बैटर हम इसमें डालेंगे और इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर करेंगे। एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप प्लास्टिक से कवर करके रबर बांध दीजिए। इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखेंगे। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रीज़र में रखा था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से आइसक्रीम सेट हो गई है। अब बाउल में पानी लेंगे और उसमें थोड़ा सा ये डिप करेंगे, हाथों पर थोड़ा रब करेंगे और ये बहुत ही आसानी से आइसक्रीम डीमोल्ड हो जाएगी। देखा कितनी आसानी से डीमोल्ड हो गई। अब हम चाकू की मदद से इसे कट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी कम मेहनत में हमारी कोकोनट आइसक्रीम रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कितनी कम मेहनत में आज हमने ये हेल्दी कोकोनट आइसक्रीम बनाई है। मैंने यहाँ पर काजू और बादाम से थोड़ा डेकोरेट किया है इसे। यहाँ पर मैं आपको आइसक्रीम कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अब नारियल की शेल में भी हमने जो आइसक्रीम जमाई है वो देखते हैं। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से ये सेट हो गई है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर बाउल में निकाल के उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल के भी खा सकते हैं। इस कोकोनट आइसक्रीम को आप किसी छोटे ग्लास या फिर कटोरे में भी सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक ईट हेल्दी एंड स्टे हेल्दी।